Patriot into traitor. Patriot into traitor. Traitor. Patriot into traitor. By Robert Browning. Robert Browning. It was roses, roses all the way. With mortal, mortal. Mortal, symbol of rihan ki khushbu. Mortal ka matlab khushbu lele. Mixed in my path like mad. Mad, mehekna, pagal ho jana. World meaning apni book ke upar likhte jaiye. The house roof seemed to heave bhari par jana, bhari, bhari par jana. And sway, jhulna. The church spires, minar, flamed, shole. Flags, jhande, they had a year ago on this very day. The air broke into a mist, dhund, bells. The old walls rocked, tootna, with a crowd and cries, crowd, hajoom. Arrow dalkar jahan space milti likhte jayen. Crowd, hajoom. Had I said, good folk, log, mer, mehz, nice repels ka matlab jahan hai, वापस ले लो, वापस लेना. But give me your son from yonder skies, yonder, दूर. They had answered afterward, what else, और क्या, मजीद क्या, इसके इलावा, alack, अफसोस. It was I who leaped, छलांग लगाना, at the sun. To give it my loving friends to keep, nout men, nout ka matlab hai, not, nahi. Could do, have I felt undone, adhura chholna. And you see my harvest, kasht, fasal. What I reap, kaatna. This very day or now a year is run, there is nobody on the housetops now, just a paralyzed, mafluj, bimar. Few at the windows set, for the best of the sight is all allow. At the shambles gate, jagah ka naam hai, gate ka naam hai. Or better yet, taham, by the very scaffold's foot, phasi ka takhta. फांसी का तख्ता, आइट्रो का मतलब ठोकरें खाना, सोचना भी होता है, ठोकरें खाना. I go in the rain and more than the need, a rope, रस्सी, cuts both my wrists, कलाइयां, and I think by the feel my forehead bleeds, forehead, माथा. Bleeds, खून निकलना. For the fling, फेंकना. Whoever has a mind, stones at me for my years, misdeeds, गलतियां. Thus का मतलब होता है पस. I entered and thus I go. In triumphs, जीत, फतह. People have dropped down dead. Dropped, नीचे गिराना. Paid by the world, what dost का मतलब है do, करना. दाव, तुम. Of, मतलूब, चाहना, हासिल, चाहिए. Of, मतलूब, चाहिए. Me, God might question, now instead, it's God shall repay, देना. आम सेफर, सो सेफर, महफूज.
दिस पोएम इज अ स्टोरी, एक पॉलिटिशियन जो पीछे से बंधा हुआ है और उसको फांसी पर लगाया जा रहा है, और वो कह रहा है कि जब मेरा अरूज था तमाम लोग मुझे सल्यूट करते, मुझे पूछते थे, मेरे हर बात पर लबैक कहते, अब मुझे फांसी पर चढ़ाया जा रहा है क्योंकि मैंने कुछ गलतियां की हैं। लोग जल्दबाज हैं, पॉलिटिशियंस की गलतियों को माफ नहीं करते। इट वॉज, पहले वो बताएगा, अब वो बंधा हुआ है, उसको लेकर जा रहे हैं फांसी पर चढ़ाने के लिए, लेकिन वो अपनी माजी की कहानी सुना रहा है। कहते हैं एक वक्त ऐसा था जब मेरे रास्ते में गुलाब ही गुलाब हुआ करते थे, वहां से बात शुरू करता है। इट वॉज रोजेज रोजेज ऑल द वॉय, गुलाब ही गुलाब होते थे मेरे रास्ते में, विद मॉर्टल मिक्स्ड इन माई पाथ, सुम्बुल और रियान की खुशबू मेरे रास्ते में बिछाई जाती लाइक मैट और महकाई जाती, सुम्बुल और रियान की खुशबू मेरे रास्ते में पागल हुए जाती थी। द हाउस रूफ सीम्ड, घरों की छतें ऐसे लगती थीं टू हीव के भारी पड़ गई हैं, एंड स्वे झूलने लगी हैं, क्यों उनके ऊपर लोग चढ़ रहे हैं, क्योंकि वो अपने लीडर को देखना चाहते हैं। द चर्च स्पायर्स फ्लेम्ड, चर्च के मीनार फ्लेम्ड, वो चमक रहे हैं, दहक रहे हैं, उन पर शोले जलाए गए हैं। सच फ्लैग्स दे हैड, ऐसे ही सुर्ख शोले, ऐसे ही सुर्ख झंडे उन्होंने उठाए हुए थे। मीनारों के ऊपर भी उन्होंने आग जलाई थी और झंडे भी सुर्ख थे। खुशामदीद कह रहे हैं, वार्म वेलकम है। अ ईयर अगो ऑन दिस वेरी डे, एक साल पहले ऐसे ही दिन की बात है। इस पैराग्राफ में पोएट ने कहा है, एक साल पहले मैं जब जाता तो लोग मेरे रास्ते में गुलाब बिछाते, चर्च के मीनारों पर आग जलाते, झंडे लहराते और खुशबू मेरे रास्ते में बिछाते। ये एक साल पहले की बात है। इतनी समरी आपके जहन में होनी चाहिए कि इस पैराग्राफ में ये कहा गया है। द एयर ब्रोक इनटू अ मिस्ट विद बेल्स, हवा टूट कर, हवा, द एयर ब्रोक इनटू अ मिस्ट, हवा टूट कर ज़रा ज़रा हो जाती, विद बेल्स, घंटियों की आवाज़ से। कहना ये चाहता है हवा में इतनी घंटियाँ होती कि हवा भी धुंधला जाती थी, चिन 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 चिन, वो घंटियाँ बजाते थे ताकि वेलकम कर सके अपने लीडर को। द ओल्ड वॉल्स रोक्ड, और पुरानी दीवारें टूटने लगती, विद द क्राउड एंड क्राइस, लोगों के हजूम से और क्राइज, चीखो पुकार से, ओए लीडर आ गया। हैड आई सेड, अगर मैं उनसे कहता, गुड फोक, अच्छे लोगों, मेर नाइस रिपेल्स, ये महज शोरो शोरो गोगा वापस ले लो, ये चीख पुकार वापस ले लो, चुप कर जाओ। बट गिव मी योर सन फ्रॉम यंडर स्काइज, मुझे तो ला कर दो दूर आसमानों से अपना सूरज, यानी कि शोर ना करो, कोई बड़ा काम करके दिखाओ, ये इम्पॉसिबल काम है, ये करके दिखाओ। दे हैड आंसर्ड, मुश्किल से मुश्किल काम पर वो कहते, कौन लोग, एंड आफ्टर वर्ड व्हाट एल्स, अरे इसके बाद तुम्हें और क्या चाहिए, ये बताओ, ये काम हो गया। यानी कि वो राइटर, वो इस पॉलिटिशियन की बीक एंड कॉल पर थे, जो कहता वो पूरा हो जाता, चाहे कितना इम्पॉसिबल क्यों नहीं था। इस पैराग्राफ में ये कहा गया है कि चर्च की घंटियाँ बजाई जाती थी और बहुत ज़्यादा हजूम होता था उसको देखने के लिए, और वो लोगों से मुश्किल इम्पॉसिबल काम भी बताता तो लोग उसे कहते थे ये तो फौरन हो गया, और बताओ। अलॉक, अब वो कहते हैं अफसोस, इट वॉज आई, ये मैं था, हु लीप्ड एट द सन, जिसने सूरज पर छलांग लगा दी, यानी कि इम्पॉसिबल काम करने बढ़ गया आगे। टू गिव इट माई लविंग फ्रेंड्स टू कीप, ताकि मैं अपने प्यारे दोस्तों को ये सूरज दे सकूं, यानी कि ये इम्पॉसिबल कारनामा सर अंजाम देकर अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकूं। नाउट मैन कोड डू, कोई भी आदमी ये नहीं कर सकता था। हैव आई फेल्ट अंडन, क्या मैंने इसको अधूरा महसूस किया, अरे मैंने तो अधूरा महसूस नहीं किया, मैं तो ये मुकम्मल करके आया था, मैं तो इस इम्पॉसिबल काम को मुकम्मल करने गया था, आगे बढ़ा था। एंड यू सी माई हार्वेस्ट, देखो तो सही मेरी क्या फसल है, फसल क्या है, व्हाट आई रीप, देखो मैं क्या काट रहा हूँ। दिस वेरी डे,
ऐसा ही एक दिन था, नवा ईयर इज रन, अब एक साल गुजर गया है। इस पैराग्राफ में पॉलिटिशियन कहता है, वो कहते हैं कि मैं एक इम्पॉसिबल कारनामा सर अंजाम देने के लिए आगे बढ़ा, मैंने समझा हो जाएगा पूरा, लेकिन पूरा नहीं हो सका, तो लोग देख मुझे सजा दे रहे हैं, लोग मुझे उसका सिला दे रहे हैं। क्या सिला दे रहे हैं? आगे के तीन पैराग्राफ यूं हैं, देयर इज नो बॉडी ऑन द हाउस टॉप्स नाउ, घरों की छतों पर अब कोई भी नहीं है, जस्ट अ पैलाइज्ड फ्यू एट द विंडो सेट, चंद एक पैलाइज्ड क्या कहते हैं उसे, मफलूज बीमार लोग हैं, अपाहिज, जो खिड़कियों के पीछे बैठे हैं, फॉर द बेस्ट ऑफ द साइट इज, कहते हैं सबसे बेहतरीन नज़ारा है, ऑल अलाउ, तमाम आकर देखो, एट द शेम्बल्स गेट, कहाँ आकर देखो, शेम्बल गेट पर, और बेटर येट, इससे भी एक खूब, इससे भी एक अच्छा नज़ारा और है, बाय द वेरी स्कफल्स फुट, इस तख्तादार के साथ, फांसी के तख्ते के साथ, क्या आइट्रो, मुझे ठोकरें खिलाई जा रही हैं, मुझे किक की जा रही है। आई गो इन द रेन एंड मोर देन नीड्स, बारिश में जा रहा हूँ और बारिश भी ज़रूरत से ज़्यादा है, आई रोप कट्स बोथ माई रिस्ट्स बिहाइंड, और रस्सी मेरी कलाइयों को पीछे काट रही है, एंड आई थिंक, और मैं सोचता हूँ, बाय द फील, ये महसूस करके, माई फोर हेड ब्लीड्स, मेरे माथे से भी खून निकल रहा है, फॉर द फिलिंग, पत्थर फेंक रहे हैं लोग, हुएवर हैज़ माइंड, जिन लोगों के पास थोड़ा सा भी दिमाग है, स्टोन्स, पत्थर, एट मी, मेरे ऊपर, फॉर माई ईयर्स मिसडीड्स, मेरी साल की गलतियों की वजह से। थस आई एंटर्ड, पस में यूं दाखिल हुआ, एंड थस आई गो, यूं सियासत में आया, यूं जा रहा हूं, एंड ट्राइम्स, और जीत के एहसास में, पीपल हैव ड्रॉप डाउन डेड, लोगों ने तो मुझे मार ही गिराया है, लोगों ने कहा हम जीत रहे हैं और उन्होंने हम मुझे मार गिराया है, फिर अब क्या होगा? देखें अब ये इन्वर्टेड कामा में ये स्पीच है, फेट बॉय द वर्ल्ड व्हाट डोस दू मी, खुदा के अल्फाज हैं, तुम्हें दुनिया ने तुम्हारा सिला दे दिया, तुम मुझसे अब क्या चाहते हो? गॉड माइट क्वेश्चन, खुदा ये सवाल शायद मुझसे करता, अगर लोग मुझे प्यार देते तो लोग, खुदा कहता तुम्हें तो दुनिया में तुम्हारा सिला मिल गया है, नाउ इंस्टेड, अब इसकी बजाय इट्स गॉड शैल रिपे, ये खुदा है जिसे मुझे देना पड़ेगा सिला मेरा, आम सेफर सो, मैं महफूज हूँ, गलती मुझसे एक हुई है, अच्छे काम हज़ार हुए हैं, उनका सिला कौन देगा, उनका सिला मुझे खुदा देगा। ये फॉरेन की बात कर रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान की बात नहीं, यहाँ गलती नहीं करते पॉलिटिशियन, यहाँ पर गलते करते हैं और टोटली गलत होते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो मॉरल्स हैं वो अमीर अरबियों के हैं या महज़ब अंग्रेज़ों की हैं, लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो टोटल और लोग भी गैर महज़ब हैं, तो गैर महज़ब लोगों के लिए गैर महज़ब सज़ाएं ठीक होती हैं, तो यहाँ पर जो सज़ा दी जा रही है मेरे ख्याल में ये कोई गैर महज़ब कौम होगी, लेकिन लीडर कहते हैं मैं ज़रा महज़ब हूँ, अच्छा आप सोचिए, व्हाटसएवर। Now rhythm is very important. Repeat with me. Repeat करेंगे और इंशाल्लाह आपकी लैंग्वेज अच्छी से अच्छी होती जाएगी। It was roses, roses all the way. It was roses, roses all the way. With mortal mixed in my path like mat. With mortal mixed in my path like mat, the house roof seemed to heave and sway. The house roofs seemed to heave and sway. The church spires flamed, and flags, such flags they had. The church spires flamed, such flags they had. A year ago on this very day, a year ago on this very day, the air broke into a mist with bells,
the air broke into a mist with bells, the old walls rocked with the crowd and cries, the old walls rocked with the crowd and cries. Had I said, good folk, mere noise repels, had I said, good folk, mere noise repels. But gave me your son from yonder skies, but gave me your son from yonder skies. They had answered, and afterward, what else? They had answered, and afterward, what else? Alok, it was I who leaped at the sun. Alok, it was I who leaped at the sun. To give it my loving friends to keep. To give it my loving friends to keep. Naught man could do have I felt undone. Naught man can do have I felt undone. And you see my harvest. And you see my harvest, what I reap. And you see my harvest, what I reap. This very day now, year is run. This very day now, year is run. This paragraph is important one. There is nobody on the housetops now. Do din poetry complete padhne ke baad, do din aapne just reading banani hai, reading. और इतनी अच्छी रीडिंग बनानी है कि जब आप अपनी छोटी सिस्टर को ये बुक पकड़ाएं, उन्हें कहें कि आप कोई एक लाइन बोलिए पूरी बुक में से, किसी पोएम में से, तो आप बताएंगे उसकी उस पोएम का नाम और उसके राइटर का नाम. ये एक पहली नुमा गेम है. दो दिन तैयार कीजिए, उसके बाद चैलेंज कीजिए अपनी सिस्टर को, अपने भाई को, कि वो कोई लाइन एक बोलेगा कंप्लीट. एक लाइन से आप बता देंगे कौन सी पोएम और कौन सा राइटर है. अगर इतनी तैयारी आपकी होगी तो एग्जाम में फिर आपको सिर्फ एक स्टैंजा नहीं आता होगा. याद रखिए, ऐसा कभी नहीं होता. इतनी तैयारी के साथ बच्चे जब एग्जाम में जाते हैं तो उनको फिर भी एक स्टैंजा, जब वो पेपर देने के बाद सेंटर से बाहर निकल रहे होते हैं तब याद आता है, ओहो ये तो वो पोएम थी, ये तो मुझे सबसे अच्छी आती थी इतनी तैयारी के बाद. There's nobody on the housetops now. There's nobody on the housetops now. Just a paralyzed few at the windows sit. Just a paralyzed few at the windows sit. For the best of the sight is all below. For the best of the sight is all below. At the shambles gate, or better yet, by the very scaffold's foot I throw. By the very scaffold's foot. Foot bhi keh sakte hain, foot kehna. I throw. I go in the rain and more than needs. I go in the rain and more than needs. A rope cuts both my wrists behind. A rope cuts. And I think by the feel my forehead bleeds. And I think by the feel my forehead bleeds. For the fling whoever has a mind. For the fling whoever has a mind. Stones at me for my years' misdeeds. Stones at me for my years' misdeeds. Wo bacche जो लाहौर आकर यहाँ मुझसे कोचिंग लेना चाहते हैं, डायरेक्ट मिलना चाहते हैं, वीकली टेस्ट देना चाहते हैं, तो बैरिया टाउन के अंदर गर्ल्स का हॉस्टल मौजूद है और बॉयज़ का हॉस्टल भी मौजूद है, वहाँ पर वो रिहाइश रख सकते हैं. मुझे भूल जाता है. थस आई एंटर्ड एंड थस आई गो. थस आई एंटर्ड एंड थस आई गो. एंड ट्राइम्स पीपल हैव ड्रॉप्ड डाउन डेड. एंड ट्राइम्स people have dropped down dead. Paid by the world, what dost thou owe me? Paid by the world, what dost thou owe me? God might question, now instead. God might question,
now instead. It's God shall prepare. I'm safer so. ये कैसे पता चला ये इट्स है या इट इज है या दैट इज है? विद द पैसेज ऑफ टाइम पता चल जाएगा, मगर ना कुछ तो बोलेंगे सारे ठीक हैं, दैट्स भी पढ़ सकते हैं। अंग्रेजों की जबान है, गलत भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं। नोट्स में देखें ना, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन का रट्टा लगाने की जरूरत है ना, 7-7 क्वेश्चंस के अलग से 7 आंसर्स याद करने की ज़रूरत है, और जो नोट्स में छोटी छोटी कोटेशंस के स्पार्क नज़र आ रहे हैं ये टॉपर्स की ज़मानत हैं। वन थिंग मोर, जो बच्चे इंतहाई वीक हैं, ज़ीरो हैं, बार बार कोशिश कर चुके हैं, जो कहते हैं हमसे मत पूछ रास्ते घर के, हम मुसाफिर हैं ज़िंदगी भर के, ये जिन लोगों ने ज़िंदगी भर बीए करने की ठानी है उनके लिए मल्टी आंसर बना दिए हैं, वो अब बीए में पास ज़रूर हो जाएंगे। फ़ी मैं आपसे लूँगा 4000 लूँगा, आप थोड़े से इस काम को तैयार करने की गारंटी देंगे, मैं आपको पास होने की गारंटी दूँगा। 45 डेज रिक्वायर्ड हैं, रोज़ाना 3 आवर्स पढ़ने का जज्बा चाहिए, बस जज्बा यूं हो कि तूने देखी ही कहाँ है इश्क के कलंदर की धमाल, पांव पत्थर पे भी पड़ जाए तो धूल उठती है। इधर उधर वक्त और पैसा ज़ाया ना करें, नोट्स लें। 180 वर्ड्स का आंसर में हर फर्क क्वालिटी है, लंबा लंबा लिखने से कुछ नहीं होता। शीट पर शीट भरने वाले ज़्यादा फेल ही देखे हैं, अब यूनिवर्सिटी क्वालिटी वर्क डिमांड करती है, इसका एविडेंस हमारे स्टूडेंट हैं। 150 या 160 वर्ड का आंसर लिखते हैं, कोई 200-250 वर्ड का नहीं लिखते, छोटा आंसर लिखते हैं। क्वालिटी वर्क ही है ना कि एवरेज स्टूडेंट 100 मार्क्स लेते हैं, और हर साल 3-4 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 150 प्लस में चले जाते हैं, टॉप 10 में होते हैं। मार्केट में मौजूद की बुक्स में लॉन्ग डेड वर्क है, 30 इयर्स ओल्ड मटेरियल है, पेपर चेकर उसे पढ़ पढ़ के सड़ गया है, ही वॉन्ट्स समथिंग न्यू। हमारे नोट्स पास्ट पेपर्स की बेस पर फुल अपडेट होते हैं, इनर्जेटिक जिंदा सलामत वर्ड्स हैं उसमें, लव्ज़ हैं कि टकरे मारते हैं।